हाथरस हादसे की प्रथम जांच रिपोर्ट से पता चला है कि हाथरस में स्वयंभू बने भोले बाबा का सदमार्ग दर्शन उनके भक्तों के लिए काल बन गया। बाबा के चरणों की मिट्टी पाने की होड़ में उनके 121 भक्तों को मौत के मुंह में ले गई। मिली जानकारी के मुताबिक इस मिलन समागम के लिए भोले बाबा समिति द्वारा पहले इटावा में प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन इटावा में परमिशन नहीं मिलने के कारण स्थान परिवर्तित करते हुए हाथरस जिले में भोले बाबा का सत्संग रखा गया। यहां पर जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद 2 जुलाई को बाबा का समागम हुआ, जिसमें भगदड़ मच गई। मिलन समागम चत्कार में बदल गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के गुप्तचर विभाग में सिपाही रहे सूरजपाल 17 वर्ष पहले नौकरी छोड़कर बाबा बन गए, जिससे उन्होंने शोहरत और पैसा कमाया। पूरे यूपी सहित अन्य जिलों में भी इनके फॉलोअर्स हैं। बाबा का विवादों से नाता रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक भोले बाबा नाम के जिस शख्स के सत्संग में भगदड़ होने के कारण 121 लोगों की जान गई है, उस पर यौन शोषण सहित कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी स्वयं आज पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाने हाथरस पहुंचे हैं। विगत दिवस सरकार के 3 मंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव सहित तमाम अधिकारी हाथरस में डटे हुए हैं। इस मामले में जांच भी बैठाई गई थी, जिसको 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देनी है। प्रशासन द्वारा बनाई जांच समिति की प्रथम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भोले बाबा के चरणों की रज पाने के लिए धक्का मुक्की हुई है। बाबा के सेवादारों द्वारा भीड़ के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके चलते भीड़ अनियंत्रित हो गई। सड़कों के डिवाइडर पर पहले से लोग मौजूद थे। जैसे ही बाबा का काफिला गुजरा, उनके मिट्टी लेने, चरणों को नमन करने की होड़ लग गई। लोग गिर गए, भीड़ उन पर से गुजरती चली गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग खेत के रास्ते उतर गए। बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी, जिसके चलते गिरने वाले उठ नहीं पाए और यह हादसा हो गया। पुलिस के FIR में 80,000 लोगों के एकत्रित होने की परमिशन प्रशासन से ली गई थी, लेकिन 2.5 लाख से अधिक लोग वहां पर पहुंच गए थे। जिस समय रज के लिए अफरा तफरी हुई, उस समय गेट पर खड़े से हो गए, और जिसके चलते लोगों ने खेत वाले रास्ते की तरफ रुख कर लिया। वहां जैसे ही रज लेने और बाबा के निकलने वाले स्थान को चूमने के लिए भक्त नीचे झुके हुए थे, बेकाबू भीड़ उनके ऊपर से गुजरती चली गई। वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के अधिकारी सबको चुपचाप देखते रहे। सोचने वाली बात यह है कि भोले बाबा के भक्त उनकी पदधूलि लेने के लिए जान गवा बैठे, लेकिन उनके लिए बाबा की तरफ से अभी तक कोई शोक संवेदना या बयान सामने नहीं आया है। कथित बाबा ने अपने भक्तों का हालचाल जानने की जगह खुद को मैनपुरी स्थित प्रवास में कैद कर लिया है। भक्तों के लिए परमात्मा कहे जाने वाले बाबा को प्रथम जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद क्लीन चीट मिलती दिखाई दे रही है।